नमस्कार वीवर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस कैसे लेवें और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस क्यों लिया जाता है और कितने आदमियों के ऊपर या कितने श्रमिकों के से ज़्यादा होने पर लेबर लाइसेंस लिया जाता है, आइए सज्जनों आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। सज्जनों, आज की जैसी परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में हर फैक्ट्री बनाने वाले को इतनी लेबर अरेंज करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं और फैक्ट्रियां बनने के बाद में उनको एक्स्ट्रा वर्क करवाना पड़ता होता पड़ना पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर मंगवाते हैं। यदि उनकी, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है और उसमें 10 आदमियों की आपको आवश्यकता है, तो 10 आदमियों तक तो आप व्यवस्था रखते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि आपको 25 आदमी एक्स्ट्रा पर डे चाहिए और वो केवल 25 दिन के लिए चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, उनकी सहायता लेना आपको जरूरी हो जाता है और वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर इसीलिए सभी तरह के लेबर रखते हैं। वो मजदूर भी रखते हैं, उसके बाद में उनके पास में प्लम्बर भी होता है और सारी इलेक्ट्रीशियन भी होता है, मेसन भी होता है, मिस्त्री भी होता है, ड्राइवर भी होते हैं, चौकीदार भी होते हैं, इस तरह के सारे कामों के व्यवस्थाएं वो करके रखते हैं। सारे कामों के जानकार मजदूर, मिस्त्री और मेसन वगैरह रखते हैं। तो सज्जनों, अब बात आती है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर कितने आदमियों से ज़्यादा होने पर रखना लाइसेंस लेना पड़ता है। सज्जनों, यदि आप 19 आदमी तक काम में लेते हैं, पर डे काम करवाते हैं, 19 श्रमिकों के द्वारा, 19 लेबर्स के द्वारा काम करवाते हैं, तो आपको आज की स्थिति में लेबर लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर यदि 20 या 20 से अधिक आदमी आपके पास होते हैं, ऐसी स्थिति में आपको लेबर लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वो पोर्टल पे जाना पड़ेगा। उस पोर्टल का नाम बता देता हूँ मैं, www.labor.com। जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उस स्टेट का नाम, और .gov.in, इस पे आप जाइए और वहाँ पे आपको सारी बातें पूरी तरह से पूरी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और कई विभागों में, ज़्यादातर स्टेट्स में, ये सभी विभाग सभी स्टेट्स में सामान्यतया जो मैं नीचे बता रहा हूँ वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मगर कई जगह अलग से मांग लिए जाते हैं। तो आप जिस स्टेट से हैं वहाँ की अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ उस पोर्टल पे आप जाएंगे तो आपको सारी बातों का पता चल जाएगा। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आप उन पे अपलोड कर दीजिए और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सज्जनों, इसमें पहला आता है एप्लीकेशन फॉर्म। पोर्टल पे जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसको कम्प्लीटली आपको तैयार करना है, पूरा भरना है। उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज फोटोज लगानी है और आधार कार्ड या पासपोर्ट साइज पासपोर्ट या आपका और कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देना पड़ता है। प्रमुख नियोजक द्वारा प्रमाण पत्र, यानी कौन सी फर्म आपके लिए लेबर, आपसे लेबर मांग रही है, उसका एक प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है। और निर्धारित फीस जो बैंक में जमा करवा कर चालान के द्वारा आप चालान की फोटोकॉपी अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर। फीस कितनी होगी ये श्रमिकों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आप 20 से अधिक श्रमिक रखते हैं तो 20 से 60 तक, 60 से 100 तक अलग अलग फीस होती है, वो आप पोर्टल पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सज्जनों, धरोहर राशि भी जमा करवाई जाती है जो ठेका पूरा होने के बाद में आपको वापस मिल जाती है। ये मुख्य मुख्य जानकारियां मैंने आपको दी हैं, बाकी और बहुत सी चीज़ें वो मांगते हैं, उन सारी बातों का इस वीडियो में बताया जाना संभव नहीं है। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और फिर प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो ज़्यादातर ठेकेदारी सभी डिपार्टमेंट्स में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह की ठेकेदारी की जाती है, कितने प्रकार के डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें किस तरह लाइसेंस बनाया जाता है, उन वीडियोज में मैंने दे रखा है। आप उन वीडियोज को सुन करके, देख करके बहुत अच्छा फायदा बना सकते हैं। सज्जनों, वीडियो आपको पसंद आता है निश्चित रूप से अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा
और कमेंट्स के द्वारा मुझे अवगत करवाइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।